जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, और 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक के इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2022 का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, सबसे खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में मैं शेयर करता हूँ, पहले तो आपको वो जानना जरूरी है। हाँ, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन यदि नए व्यूवर हैं, अभी अभी इस वीडियो, इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस अकाउंट के साथ जुड़े हैं, इस पेज के साथ जुड़े हैं, तब तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे जो राशिफल हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अब एक और खास बात है, वो ये कि आप जो राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। भाई, ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं ना ये, और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं तो सार्वजनिक स्तर पर है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपका यह साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए अच्छी बात यह है कि सफलताओं के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप सफलताएं किन क्षेत्रों में हो सकती है? तो सबसे पहले नंबर पर तो मुझे जो है वो धन या आर्थिक दृष्टिकोण या आय की सफलता यहां पर ज्यादा दिखती है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपके कैरियर में खास तौर पर आपको सफलता मिले। भाई, आप यदि नौकरी करते हो तो वाह वाह आपको मिले, कोई नया नया प्रोजेक्ट आपको मिला हो तो उसमें आपको आपको नई कोई सफलता मिले, या फिर नया कोई इंक्रीमेंट मिले, या फिर ट्रांसफर हो सकता है, आप स्विच करना चाहते हो, आप स्विच करें, आपके आय में वृद्धि हो, प्रमोशन आपको मिल जाए। तो खास तौर पर जो धन की बात है, यदि आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस आपका अच्छा चले, यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो वहां पर, तो खास तौर पर जब धन की बात करते हैं, और धन कहाँ से आता है? धन आता है कैरियर से, काम काज से, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं वहां से। तो इस दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त सफलताकारी दिखता है, धन के दृष्टिकोण से। अब एक और बात, भाई, धन काम काज से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन धन कई बार पैतृक संपत्ति से भी आता है, पिता की तरफ से, दादा की तरफ से भी आता है, नाना नानी की तरफ से भी कई बार आ जाता है। तो यदि कहीं आप इस प्रकार के धन के इच्छुक हैं, जायदाद में वृद्धि यदि आप चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं, अपने पैतृक संपत्ति के द्वारा, या फिर कहीं आप कोर्ट केस या लिटिगेशन में फंसे हुए थे, जिसे जो जो संपत्ति को लेकर के था, तो उसमें आपकी जीत मुझे बनती हुई नजर आती है, और आपके साथ मुझे निसंदेह बहुत अच्छी असफलता भी बनती हुई नजर आती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो आप मेरी बातों से समझ ही गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक चिंता जरूर करना है। अच्छा, चिंता नहीं कहूंगा मैं, केयर बोलूंगा।
केयर, चिंता नहीं करना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो एक बात की केयर जरूर आप करिए, किस बात की? आपके शारीरिक स्वास्थ्य की। हाँ जी हाँ, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर 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 आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आर्थिक कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, इस दृष्टिकोण से मैंने खराब कहा। और कई बार शारीरिक स्वास्थ्य जब खराब होता है तो पारिवारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पारिवारिक जन जो है वो चिंतित होते हैं, तनाव में होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं फिर मानसिक तौर पर भी चिंता बढ़ जाती है। कई बार ये भी होता है कि शारीरिक तौर पर हम परेशान हैं तो झल्ला जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। कोई कोई एक अंग है, मान लीजिए मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, हाँ, तो कोई मुझे बोलेगा काम, ये काम करना है, वो काम करना है, मैं गुस्सा कर जाऊंगा, आपको समझ नहीं आता मेरा हाथ दुख रहा है। तो इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं घर या परिवार में पैदा हो सकती है, जिससे भी आपको बचकर रहने की, संभल कर रहने की जरूरत है। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा के देखिए, आपके आय में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। जैसे आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां पर मुझे ऐसी कोई समस्या बनती हुई नजर नहीं आती, आय प्रॉपर होती रहेगी, लेकिन लेकिन खर्च जो है ये भी इस समय आपका ज्यादा हो सकता है। कहीं आपने धन लगाया, वो हो सकता है शेयर मार्केट में लगाया हो, किसी को पैसा उधार दिया हो किसी वजह से, तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, ऐसा मुझे आपके साथ यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो एक तो ये बात मुझे नेगेटिव दिखती है, लेकिन हाँ, आय में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपका जो समय है वो अच्छा चलेगा, वहां पर चिंता करने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट में दिक्कत है, या फिर कहीं पैसा फिजूल खर्च वेस्ट हो जाए, वहां दिक्कत है। तो क्या समझे, इन्वेस्ट अच्छी तरह से करिए, सोच समझ कर करिए, हाँ, वेस्ट ना हो जाए कहीं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो किसी को पैसा उधार देना हो, किसी भी प्रकार से। तो अपने इन्वेस्टमेंट पर जरा इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ बहुत अच्छी तरह से आपको मिलने वाला है, और पारिवारिक सौहार्द भी होने वाला है। और एक और बात मैं कहूं कि कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी आपके साथ जो है वो आपके घर या परिवार में, या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, उनके साथ, उनके घर, मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं, जिसमें आप जो है वो सम्मिलित हो और गेट टुगेदर आप लोगों का हो, और उस चीज को बड़ा आप इंजॉय करें। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है, आय, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा वक्त है, एवं यश और वृद्धि, यश सम्मान में वृद्धि भी आपकी हो सकती है यदि आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन बस धन का ध्यान रखिएगा, खर्च का ध्यान रखिएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके भी सफलताएं मुझे दिखती हैं, यश सम्मान में वृद्धि मुझे दिखती है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये वक्त बहुत अच्छा और बहुत शानदार बनता हुआ नजर आता है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि किसी न किसी तरह से आपको यहां पर सहयोग जरूर मिल सकता है, सहयोग मिलने के योग है। देखिए, हम सभी, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हम सभी इमोशनल हैं भाई, हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हम इमोशनल हैं, हम लॉजिकल नहीं, हम कंप्यूटर नहीं है। इमोशनल है का मतलब ये कि हमें सहयोग, हमें साथ की जरूरत है। कोई कितना भी कह दे मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भैया, आप सब्जी भाजी लेने गए हो आप किसी दुकान पे, तो दुकान पे ना जाए, खुद उगाए, खुद ले, खुद बनाए, खुद घर में जो है वो गैस या फिर लकड़ी लाए, चूल्हा करें, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर परिवार, तो निस्वार्थ भावना से यदि कोई आपके लिए काम करता है तो आपके परिवार है या अच्छे अच्छे मित्र हैं,
जो जो सच्चे मित्र हैं वो हैं, ये सब निस्वार्थ भावना से कई बार काम करते हैं। तो हमें किसी न किसी की, अच्छा कई बार तो उन लोगों की भी जरूरत पड़ जाती है जिन्हें हमने न कभी देखा है ना उन्हें हम जानते हैं, लेकिन वो भी कई बार हमारी मदद कर जाते हैं, जैसे नौकरी में जैक लगाना इस प्रकार से। तो सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा, और खास तौर पर मुझे आपके मित्रों का सहयोग ज्यादा अच्छी तरह से बनता हुआ नजर आता है। तो आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का सहयोग भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। आप यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपकी सफलता होगी, चाहे वो सहयोग के साथ हो। हो सकता है नौकरी लगना चाहते हो सकता है प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो सकता है आप बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर जो है वो सफलता मुझे मिलती हुई नजर आपके लिए आती है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। लेकिन एक और अच्छी बात ये कि यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, यदि कहीं आप छात्र हैं, हाँ, तो भी आपके लिए ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है, बड़ा उन्नतिकारक दिखता है। यदि कहीं आप इस समय रिजल्ट लेने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। केवल इतनी सी बात है कि आप मेहनत करिए। देखिए, मेहनत के बिना तो कभी कुछ नहीं मिलता। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ज्योतिष हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कंसल्टेशन देता हूँ। तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, भाग्य होना भी बहुत जरूरी है। तो फिर मेहनत करिए, भाग्य जब आपका साथ देगा तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। बस इतनी सी बात, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूं तो यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, ये यात्राएं जो हैं बड़ी सुखद हो सकती है, यात्राएं कुछ ना कुछ आपको लाभ करवाने वाली हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिले ऐसा भी मुझे दिखता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि कहीं आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, यदि कहीं आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश हो, भूमि खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, आप यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, है ना, जो भी आप निवेश करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो निवेश है वो आप बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, और उस निवेश का आपको निसंदेह बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आप इस समय अपने निवेश कर सकते हैं क्या, या आप यदि नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो नौकरी स्विच भी कर सकते हैं और नई जगह पर आप जा भी सकते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, और वो बात यह है कि आप यदि वाहन चला करके कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल करते हैं, तो आपको इस समय चाहिए कि आप उस ट्रेवल से खुद व्हीकल चला करके जो जा रहे हैं तो उससे बचें, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। केवल इस बात का मैं आपको ध्यान रखने की सलाह दूंगा। यात्राएं हैं, यात्राएं सुखद हैं, यात्राएं आपको सफलता करवाने वाली, खुद व्हीकल चला करके कहीं ना जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, केवल इतनी सी बात। शारीरिक तौर पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका बिगड़ सकता है या डावाडोल हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। कर्क राशि के लिए एक बात और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, तो यहां पर इस समय विवाह तय हो सकता है, या घर या परिवार में मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य की स्थितियां भी जो है वो निर्मित हो सकती है। हो सकता है इस सप्ताह मांगलिक कार्य ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में मांगलिक कार्य हो जाएगा, इस वक्त ऐसा तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है मांगलिक कार्य के ही उद्देश्य से आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो, और उसमें मैंने तो कह ही दिया कि सफलता आपको मिल जाएंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कर्क राशि के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा है, केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात से
थोड़ा सा बच जाए। कर्क राशि के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप इवन प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल भी है, पेशेवर भी है, तो भी मुझे यहाँ पर पदोन्नति की योग। पदोन्नति का मतलब ये कि नौकरी में तो चलो ठीक है कि आपकी आपका एक पद बढ़ गया, लेकिन बिजनेस में भी ये हो सकता है ना कि आप यदि कुछ नया कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हो, नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि अभी तक तो जो है 100 का प्रॉफिट था, अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ 150 का प्रॉफिट हो, तो 150 का जब प्रॉफिट होने लगा तो इसे पदोन्नति ही तो कहेंगे, तो वैसा भी मुझे दिखता है। या आप पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो भी मुझे आपके साथ सफलता जरूर से दिखती है। तो मैं सिंह राशि के लिए कह सकता हूं कि फायदे के, उन्नति के, सफलता के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का फायदा, लाभ, मुनाफा आपको इस समय जो है वो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद में यदि हम बात करें आपके भौतिक सुख सुविधाओं की, तो वाहन खरीदी के बारे में आप कहीं सोच सकते हैं, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं आप, या फिर भौतिक सुख सुविधा की कोई और भी वस्तुएं हों जिन्हें आप खरीद सकते हैं और जिनसे आप, जिनका आप लुफ्त भी उठा सकते हैं, ऐसे मुझे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। दूर कहीं घूमने फिरने जाना, ऐसे योग भी दिखते हैं, और ये मित्रों के साथ हो, खास तौर पर ज्यादा योग मुझे ऐसे नजर आते हैं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, या आपके बराबर के जो लोग हैं उनके साथ, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। और पारिवारिक तौर पर हालांकि प्रेम बना रहेगा। एक और बात, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र छात्राएं हैं, तो भी मुझे ये वक्त आपके लिए सुख या सफलताएं दिलवाता हुआ निसंदेह नजर आता है, चिंता की कोई भी बात नहीं। ठीक है, सिंह राशि के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि ये वक्त जो है आपको थोड़ा तनाव में जरूर रख सकता है, चिंता में जरूर रख सकता है, आप या फिर वाद विवादों में भी फंसा सकता है। जी हाँ, तनाव, चिंता या वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो आपके साथ, ऐसा मुझे दिखता है। और एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये आपके खास तौर पर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ, यदि आप विवाहित हैं तो भी आपके पार्टनर के साथ, यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पार्टनर है तो आपके पार्टनर के साथ, नौकरी करते हैं तो कॉलिग्स के साथ, तो जो आपके बहुत घनिष्ठ हैं या जो रात दिन आपके साथ रहते हैं, आपको अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसा मुझे जो है वो दिखता है। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़ी दुविधाजनक स्थिति मुझे यहाँ पर हालांकि बनती हुई नजर आती है कि पुराने पार्टनर से मतभेद होकर के नए पार्टनर से मिलन, अब ये आपके प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर हो सकता है, या आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर हो सकता है, कॉलीग आपके कोई है तो वहां हो सकता है कि जो आपके पहले पार्टनर थे उनको छोड़ करके कहीं आप और जाएं, या कहीं, चलिए छोड़ करके ना जाएं, लेकिन आपका मन कहीं और लगे, तो ऐसी स्थितियां मुझे आज जो है वो बनती हुई नजर आती है, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक स्थितियां जो है बहुत अच्छी रहेंगी आपकी, आर्थिक स्थितियां और मैं तो कहूंगा मजबूत होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, निसंदेह आपको उसमें तो लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। पढ़ाई करते हैं तो भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि तनाव का यह वक्त है, तनाव का दौर है, कहीं ना कहीं मन ना लगे या मन कम लगे, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है, तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें, अन्यथा कन्या राशि के लिए जो है चीजें ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपको, आपके लिए थोड़ा मिला जुला ये वक्त जाने वाला है तुला राशि के लिए।
मिला जुला कैसे जाएगा? कहीं ना कहीं आपको शारीरिक तौर पर कष्ट या समस्या हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए, ये वक्त, ये दौर भी ऐसे ही चल रहा है। ओमेक्रॉन, हाँ ओमेक्रॉन, बड़े भारी भरकम नाम है, कोविड, कोरोना, तो ये बड़े तंग कर रहे हैं, बड़े परेशान कर रहे हैं। और मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यहाँ पर ये बनता है आपको कि आप बच कर रहें, क्योंकि आपके लिए ये जो वक्त है ये शारीरिक तौर पर आपको कष्ट जरूर दे सकता है। तो इस बात से जरा आपको बचकर रहने की जरूरत है, संभल कर रहने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है। और लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल, भाई जहां से पैसा आ रहा है, सीधी बात, जहां से भी आपका पैसा आ रहा है, वहां पर मुझे आपके लिए जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़े ऐसा दिखता है, कामकाज ज्यादा बढ़े ऐसा दिखता है, मेहनत ज्यादा बढ़े ऐसा दिखता है। और ऐसा दिखता है तो सीधा से इसका मतलब यह है कि आपको जो है वो मेहनत, परिश्रम लगेगा, दबाव बढ़ेगा, लेकिन सफलता भी होगी। देखिए, हमारी जिम्मेदारी, जैसे मैं कहूं कि किसी का प्रमोशन हुआ तो सीधा सा मतलब यह है कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ी, है ना। मैं कहूं कि किसी ने, अब उसका बिजनेस एक अच्छा चल रहा था, उसने एक और शॉप या एक और ब्रांच ओपन की, तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना उसकी, लेकिन प्रगति हुई। मैं कहूं किसी की शादी हुई या किसी का बच्चा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ गई ना, लेकिन अच्छा हुआ, प्रगति हुई। तो मैं आपके लिए भी यहां पर यही बात कहना चाह रहा हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ने के योग हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये वक्त आपको प्रोग्रेस करवाने वाला है, सम्मान दिलवाने वाला है, तो अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं जो हैं आपके लिए ठीक रहेंगी। थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का देखो ध्यान रखना पड़ेगा। लॉकडाउन जहां जहां पर लगा हुआ है वहां पर तो यात्राएं निषेध है, लेकिन कई जगहों पर लॉकडाउन अभी नहीं लगा हुआ है और यात्राएं की जा रही हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मृत्यु के आंकड़े तो खैर इस वर्ष कम रहेंगे। मैंने मैंने 2020 में भी, 2021 में भी, मतलब इसी वर्ष की शुरुआत में भी आई इस बात की घोषणा की थी, और भी 3-4 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके कहा था कि तीसरी लहर भी आने वाली है, और वो आ भी गई। लेकिन मैंने ये भी कहा था बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब ये है कि मृत्यु, भाई सर्दी जुकाम खांसी तो हमको वैसे भी होता था पहले से, तो जब सर्दी जुकाम खांसी होता था तो आज उसे डरेंगे क्यों? बचपन से होते आ रहे हैं हमें, लेकिन उसकी वजह से मृत्यु हो जाना, इसलिए हम डरेंगे। तो अभी मृत्यु की दर तो जो है वो कम है, लेकिन फिर भी हमारा स्वास्थ्य यदि कहीं बिगड़ रहा है तो फिर क्या? हालांकि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य तो गले में खराश वगैरह तो मुझे भी है चलता रहता है, ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती है, मानव शरीर है, लेकिन हाँ बड़ी चीजें नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपना इस बात का जरूर ध्यान रखें। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो आपके लिए भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो देखो आपको भी तंग कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको आ सकती है, तंग कर सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो तंग कर सकते हैं आपको। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक बात ये भी कहूंगा आपसे कि अपने घर परिवार में जो वृद्ध हैं उनके भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। आप हो सकते हैं दादी दादा हो, माता पिता हो, बड़े हो, अंकल आंटी हो, बड़े वृद्ध हो, उनका उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, आपकी धन की स्थिति की, तो मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। इवन आप जो है वो कहीं निवेश कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, आपका निवेश हो सकता है और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपको लाभ मिला, आपने भूमि में पैसा लगाया तो आपको पता चला कि भूमि का जो रेट है, जो उसकी दर है, और ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसा जरूर से हो सकता है। और मुझे इसके योग भी बनते हुए नजर आते हैं।
तो भौतिक सुख सुविधाओं के योग भी हैं, अच्छा है। आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और अच्छी बात है, उन्नति के असफलता के योग दिखते हैं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि धनु राशि के लिए धन में लाभ है। खास तौर पर यह वक्त आपके धन में मुझे लाभ करवाता हुआ नजर आता है, धन में लाभ के योग है। नई कोई योजना आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग्स बना सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाओं पर आप चल सकते हैं, और नई योजनाओं पर आप चलते चलते सफलताओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस में कोई नया निवेश करना चाहते हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिजनेस की बात ना भी करें तो भी आप शेयर मार्केट में, भूमि में निवेश करना चाहते हो तो भी मुझे आपके भी धन लाभ है ना, अभी धन लाभ कहीं से भी हो सकता है। आप बिजनेस करते हो तो वहां से आपको धन लाभ होगा, लेकिन जो बिजनेस नहीं करते फिर उन्हें कहाँ से होगा। तो शेयर मार्केट ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए खुला हुआ है, वो चीज हो सकती है। या फिर आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति हो, आय या इंक्रीमेंट आपका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, पारिवारिक साथ, पारिवारिक प्रेम जो है वो भरपूर मिलेगा, बढ़ेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। धनु राशि के लिए ऑल ये समय बहुत अच्छा जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सफलताओं वाला समय है। धनु राशि के बाद जब बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपनी अमूल्य या महंगी वस्तुओं का आपको यहां पर ध्यान रखना है। जो भी महंगी वस्तुएं हैं या अमूल्य वस्तुएं हैं, वो धन हो सकता है, वो कोई सामान हो सकता है, वो कोई पासवर्ड हो सकता है, वो कोई जानकारी हो सकती है, उनका ध्यान आपको यहां पर रखना है, क्योंकि उसका लॉस मुझे यहां पर होता हुआ बनता हुआ आपके साथ नजर आता है। तो गुम हो सकती है चीजें, इस बात का जरा ध्यान रखें। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे यहाँ पर आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। और प्रेम प्रसंग में भी आप फंस सकते हैं, फंस नहीं कहूंगा, प्रेम प्रसंग में भी आप फंस सकते हैं, या फिर यदि विवाह के आप इच्छुक हैं और तो विवाह भी आपका तय हो सकता है, तो ये भी एक बात है। संतान का कोई सुख चाहते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में कोई खुशखबर मिल सकती है, या फिर ऑलरेडी आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में आपको कोई खुशखबर मिले, भाई संतान की नौकरी लग गई, संतान का स्वास्थ्य खराब था वो ठीक हो गया, उसे अच्छे अंक आए, है ना, किसी भी प्रकार से आपको संतान के पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ संकेत, शुभ समाचार सुनने को, जानने को जो है वो मिल सकता है। तो इस विषय में भी अच्छा है, थोड़ा सा बस इस बात का जरूर से आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी महत्वपूर्ण, महंगी, अमूल्य चीजों का लॉस हो, ऐसे योग हैं, तो अपनी इन चीजों का जरूर से आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि फिजूल का तनाव जो है, फिजूल का तनाव आपको यहां पर ज्यादा हो सकता है, और फिजूल के तनाव की वजह से आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तनाव तो हुआ लेकिन उसकी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बिगड़े, ऐसा मुझे आपके साथ दिखता है। तो ये एक बात मुझे यहां पर आपके साथ नजर आती है। और हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, परिवार आपका भरपूर साथ देगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपके साथ रहेगा, और यदि कहीं आप मांगलिक प्रसंग और मांगलिक कार्यों के भी योग इवन मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं, तो घर या परिवार में कहीं भी मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य हो सकता है जिसे आप अटेंड करें, और अटेंड करना भी चाहिए। कई बार ये होता है कि हम मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में होते हैं और वहां पर हमें किसी प्रकार का तनाव हो जाता है। हाँ, सिस्टर की शादी है और लड़के वालों ने कुछ मांग रख दी, डिमांड रख दी, या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, तो
तो किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, तो थोड़ा सा तनाव पर फोकस करिएगा। कैसे कैसे? मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो तनाव आपका कम होगा। देखिए, जो स्थितियां बननी है वो तो बनेंगी, लेकिन मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम उन स्थितियों से अच्छी तरह निपट सकते हैं। तो क्या करना है? स्थितियां तो बनने वाली है, तो स्थितियों से निपटना है कि बैठना है? क्योंकि तो बैठेंगे तो दिक्कतें हम और बढ़ेंगी, तो निपटना है। और आसानी से निपटना है कि कठिनाई से निपटना है? आसानी से निपटना है। आसानी से कब निपटेंगे? मन जो जो है वो शांत होगा, खुश होगा, संतुष्ट होगा। तो उसके लिए व्यायाम, मेरा मतलब है ध्यान, मेडिटेशन जो है वो करिए। व्यायाम करने से भी जो है मानसिक तौर पर जो है ऊर्जा मिलती है, बड़ा फ्रेशनेस आता है। लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छी एक थेरेपी है मन को खुश रखने की, प्रसन्न रखने की। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे योग हैं, आर्थिक उन्नति के योग हैं, आर्थिक सफलताओं के योग हैं। फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए तो भैया बहुत अच्छा कहूंगा मैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार यहाँ पर मिलने वाला है। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से शुभ समाचार आपको मिले ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं और ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय है, बहुत अच्छा ये वक्त है और परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए नजर आती है कि स्टूडेंट्स, यदि कहीं आप छात्र छात्रा हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड से जाइए, पॉजिटिव ही रहने वाली है। हाँ, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, नौकरी लगना चाह अभी तक स्टूडेंट है, नौकरी लगना चाहते हैं, उस विषय में भी आपको शुभ समाचार अच्छा मिले। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है, शुभ समाचार दिलाता हुआ नजर आता है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ऑल मीन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको इस सप्ताह का राशिफल और भविष्यफल बताया। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप जो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।